अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अखिलेश यादव जिनकी तथाकथित समाजवादी सरकार ने प्रदेश को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घोटालों पर घोटाले, क्या जमीन के ऊपर क्या जमीन के नीचे, इनके सबसे बड़े घोटालों में से एक है 900 करोड़ से ज्यादा का खनन घोटाला। कहा जाता है कि गांव जवार के लोग मिट्टी का मोल जानते हैं, इसे माथे से लगा कर रखते हैं, लेकिन टोटी चोर अखिलेश के शासन में इसी मिट्टी को लूट कर माल कमाया उनके सपोलों ने। क्या नेता क्या अफसर, खनन घोटाले में स्वयं अखिलेश यादव भी लिप्त थे, क्योंकि गायत्री प्रजापति से पहले खनन विभाग की कमान स्वयं अखिलेश यादव के हाथों में थी। इनके राज में कई नामी अफसरों ने तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर सपा के दलालों को खनन पट्टे बांटे और प्रकृति के दोहन से अपना घर भरा। बात थी ई टेंडर से पट्टे बांटने की, लेकिन पट्टे हाथों हाथ बांटे गए। जिला हमीरपुर में महज 2 सालों में अखिलेश की चहेती आईएएस बी चंद्रकला ने 53 पट्टे बांट डाले थे। हाईकोर्ट के पट्टे निरस्त कर खनन रोके जाने के आदेश के बावजूद ये खेल चलता रहा। हमीरपुर, सहारनपुर, सोनभद्र, कौशाम्बी, अवैध खनन का ये खतरनाक खेल अखिलेश यादव के संरक्षण में यूं ही चलता रहा। जनता के पैसों, यूपी की संपदा को दोनों हाथों से लूटकर सपा के सपोले मालामाल हो गए। पर कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जब इस खेल से पर्दा उठा तब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाली आईएएस और सपा के तमाम पाखंडी नेता तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। इस घोटाले में सपा के मंत्री गायत्री प्रजापति, अखिलेश यादव, अनेकों अफसरों और सपा के दलालों पर कानून का डंडा चला। खनन के इस धंधे से ये चोर थन्ना सेठ बन बैठे। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? अब और नहीं, यूपी का हर व्यक्ति इन चोरों की असलियत जान चुका है। अब जनता देगी इनकी हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब।